प्लान की बात करें तो 36/51 में आपको प्यारा सा मकान मिलेगा। ये टोटल गांव के हिसाब से बनाया गया प्लान, ठीक है। इसमें आपको सामने तीन कॉलम दिख रहे होंगे, ये आपका एक रूम है, एक साइड रूम एक साइड बरामदा करके डिजाइन दिया है दोस्तों। रेलिंग की बात करें तो इसमें आपको ग्रिल और ईंट के साथ मैंने मैक्सिमम रेलिंग को डिजाइन किया है। बाकी हिस्सा आप देख सकते हैं, ये मॉल्डिंग का काम है, इसमें ज़्यादातर मॉल्डिंग का ही वर्क हुआ है। फिलहाल के लिए आप प्लान देख लीजिए और इसको थोड़ा दूर से देखेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो वॉक अराउंड वीडियो की अगर बात करें तो वॉक अराउंड वीडियो आपको इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए सेंटर में आपका चढ़ने के लिए जो भी मकान है, बरामदे में जाने के लिए सीढ़ी दिया गया है इस तरीके से। बाकी ऑल साइड हमने 3-3 फीट का छज्जा दिया है, चारों साइड खिड़की दिया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बैक साइड में भी क्लाइंट को स्पेस चाहिए, मतलब दरवाज़ा चाहिए था, तो यहाँ पीछे एक दरवाज़ा दिया गया है दोस्तों, ठीक है। बाकी ये आप इस तरीके से पूरा ये डिज़ाइन वॉक अराउंड वीडियो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि प्लान कैसा लगा। फिलहाल के लिए विंडो का डिज़ाइन भी देख लीजिए, इस तरीके से मॉल्डिंग के साथ विंडो का डिज़ाइन आपका यहाँ पे रहेगा। बरामदे में आपको इस तरीके से तीन कॉलम दिया गया है और ऊपर रेलिंग की बात करें तो इसमें ईंट और ग्रिल के साथ ही रेलिंग का डिज़ाइन यहाँ पे बनाया गया दोस्तों। तो आप देख लीजिए इस तरीके से ईंट और ग्रिल के साथ आपको ये रेलिंग कैसा लगा, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं, इसका अंदर का भी डिटेल आपको बताते हैं, मतलब बरामदे का ही बताएंगे, वॉक थ्रू नहीं बताएंगे, वॉक अराउंड आपका समझ में आ जाएगा आपको सारी चीज़ें, ठीक है। और इसका सामने जो बरामदा है उसमें भी आपको इस तरीके से मॉल्डिंग का डिज़ाइन मिल जाएगा, खिड़की से लेकर के जो मेन दरवाज़ा है उसके ऊपर तक इस तरीके से मॉल्डिंग का डिज़ाइन आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका पूरा ये वॉक अराउंड वीडियो हो जाएगा। ऊपर की बात करें तो ऊपर एक गुमटी रखा गया है, इस तरीके से गुमटी बनाया गया, मतलब सीढ़ी के एरिया को गुमटी बोलते हैं, ये आपका यहाँ पे बनाया गया। इसमें आपका एक विंडो का डिज़ाइन इस तरीके से रहेगा ताकि खिड़की में, मतलब सीढ़ी पे उजाला आपका रहे। तो ये पूरा वॉक अराउंड वीडियो हो गया। अब चलते हैं इसके डिटेल्ड वीडियो की तरफ और आपको बाकी डिटेल आपको यहाँ पे समझाते हैं दोस्तों। अब प्लान देख लीजिए इस तरीके से, फ्रंट की अगर बात करें तो 36 फीट है, लेंथ की बात करें 50 फीट 51 है, 36/51 में इस तरीके से प्लान है। यहाँ पे बात करें पीछे साइड आपको एक दरवाज़ा दिया गया, पीछे साइड में निकलने के लिए यहाँ से भी एक दरवाज़ा दिया गया। बाकी ऑल साइड आप खिड़की वगैरह बड़े आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। फिलहाल के लिए आपको बरामदा बता दें, बरामदे का डिज़ाइन आप समझ लीजिए। टोटल मकान की हाइट यहाँ पे 11 फीट रखी गई, जिसमें 8 फीट आपका कॉलम इस तरीके से कास्टिंग करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो डिज़ाइन आपको रखना है 2 फीट 6 इंची सीधा रखना है इस तरीके से, ये छज्जा छोड़ करके यहाँ से 2 फीट 6 इंची सीधा, 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 1 फीट सीधा, उसके बाद फिर इसको राउंड कर लेना है इस तरीके से, इसको राउंड कर लेना है। और यहाँ पे जो भी बरामदे का साइज, इसमें आपको 2 मोल्डिंग 2 राउंड इस तरीके से देना है, क्योंकि लेंथ काफ़ी है तो यहाँ पे सिंगल राउंड नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस काफ़ी है, लंबाई काफ़ी है। और इधर की बात करें तो यही सेम चीज़ आपका इस तरीके से रहेगा, 2 फीट 6 इंची 6 इंची ऊपर, 1 फीट सीधा, 6 इंची ऊपर, 1 फीट सीधा, इसके बाद फिर इसको राउंड। और हाँ, ये राउंड का ध्यान दीजिएगा, ये छत से जो छत है इसमें 6 इंची आपका गैप रहेगा, टच नहीं रहेगा, ठीक है। और ये आपका जो छज्जा निकलेगा इसमें आप देख सकते हैं ये 1 फीट है, अगला 1 फीट 2 इंची है, अगला 1 फीट 4 इंची, ये 3 मोल्डिंग इस तरीके से आपकी यहाँ पे बरामदे में आपकी दी जाएंगी। और ये बरामदा है, इसमें कॉलम आपको 3 मिलेगा, ये वाला तीसरा वाला कॉलम ये डमी कॉलम है, मतलब इसका कोई बहुत ज़्यादा यूज नहीं, बस ये लुक को देने के लिए यहाँ पे इस कॉलम को दिया है दोस्तों, ठीक है। खिड़की की अगर यहाँ पे बात करें तो ये खिड़की आपकी 4/5 की आपकी खिड़की रहेगी, समझ लीजिए कैसे रखना है इसको। 3 फीट आपको ये पहले खिड़की समझ लीजिए, 3 फीट आपको इसको रखना है, ठीक है। और ये आपका जो है 9 इंची 6 इंची ऊपर सीधा, फिर 6 इंची ऊपर, फिर 6 इंची सीधा, फिर 6 इंची, उसके बाद फिर राउंड कर देना है इस तरीके से। और इसमें आपको 2 कॉलम देने हैं, दोनों कॉलम का आपका 3-3 इंची जो पाइप आती है उसमें आप इसको कास्टिंग कर सकते हैं और इसमें बाद में आप ये डिज़ाइन करा सकते हैं। ये छज्जा जो निकलेगा 1 फीट, अगला 1 फीट 2 इंची, अगला 1 फीट 4 इंची इस तरीके से निकलेगा। बॉटम पे भी आपको इस तरीके से स्लैब निकालना है ताकि कॉलम जो खिड़की का सपोर्ट है इस तरीके से आ सके। तो ये पूरा बरामदे का डिज़ाइन है। हाँ, मकान की अगर हाइट की बात करें तो आपकी 3 फीट हाइट इस तरीके से मकान की रहेगी। रेलिंग की अगर बात करें तो इसमें भी आपको मॉल्डिंग का डिज़ाइन मिल जाएगा, चारों साइड छज्जा हमने 3-3 फीट दिया है, फ्रंट में जो है आपका 2.5 फीट है, यहाँ पर 2.5 फीट है, इस जगह पर आपका 3 फीट हो जाएगा। उसके बाद इसको जो राउंड किया गया है ये आपका 1 फीट एक्स्ट्रा है, तो मतलब यहाँ पे सेंटर में आपका 4 फीट रहेगा, किनारे पे तो 0 रहेगा, 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, इसके बाद बीच में थोड़ा 1-2 इंची बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, सेंटर में आपका 4 फीट हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं ये आपकी रेलिंग की हाइट 3 फीट रखी गई है, ये आपका 2 फीट 6 इंची सीधा, इसमें आपका ये प्लास्टर से आप इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, फिर 6 इंची आगे, फिर 1 फीट सीधा इस तरीके से बनाना है। और इसमें भी आपको 3 इस तरीके से 1-1 इंची की मॉडलिंग का डिज़ाइन आपको बनाना है और इसमें आपका ग्रिल का यूज़ करना है इस तरीके से। तो ये पूरा एलिवेशन वगैरह आपको इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बरामदे में 2 मॉल्डिंग दी गई है, मतलब 2 बार इस तरीके से राउंड किया गया, सेंटर में जो बरामदा है इसमें, सॉरी जो गेस्ट रूम है इसमें आपका एक ही साइड में इस तरीके से रखा गया है। और बाकी गुमटी की अगर बात करें तो आपका गुमटी का डिज़ाइन इस तरीके से रहेगा, खिड़की यहाँ पे दी गई है, या प्लास्टर इसमें आप
दीवार जोड़ते समय एक इंच मतलब 5 इंची ईंटा निकाल करके आप इस डिज़ाइन को बड़े आराम से बना सकते हैं। तो ये पूरा प्लान, पूरा एलिवेशन इस तरीके से आपको मिल जाएगा। चलिए अब इसकी स्लैब हटाते हैं और अंदर का डिटेल आपको हम बताते हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये आपको मिल गया बरामदा। इसके बाद आपको ये आपका पहला रूम हो जाएगा, ये आपका पहला रूम हो जाएगा गेस्ट रूम। इसका दरवाज़ा बाहर से हो जाएगा, अंदर एंट्री करेंगे तो ये आपका यहाँ पर गेस्ट रूम हो गया। आगे बढ़ेंगे ये आपका मेन गेट हो जाएगा, यहाँ आगे बढ़ते हैं तो ये आपका अंदर हॉल एरिया, ये आपका किचन और किचन के जस्ट सामने आपका ये पूजा रूम। पूजा रूम आपका ओपन रहेगा इस तरीके से, आर्च मॉडल में इस तरीके से ओपनिंग रहेगी और ये गेस्ट रूम में आपका अंदर से भी दरवाजा दिया गया है। आगे बढ़ेंगे तो ये आपका सीढ़ी, सीढ़ी समझ लीजिए ऊंचाई 6 इंची है, थ्रेड जिस पे पैर पड़ता है इसको थ्रेड बोलते हैं 10 इंची है, चौड़ाई 3 फीट 3 इंची है। टोटल जो है 7 फीट में सीढ़ी बनाया गया है जिसमें 6 इंची आपका इस तरीके से गैप रहेगा रेलिंग वगैरह लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपका टॉयलेट एंड बाथरूम दोनों अलग अलग कॉमन रखे गए हैं और ये इस तरीके से सेपरेट कर दिया है ताकि थोड़ा यूज करने में आपको अनकम्फर्टेबल ना लगे, डायरेक्ट ना दिखे इस तरीके से। पीछे की तरफ आपको 2 बेडरूम, ये आप दोनों से आपका अटैच वाशरूम यहाँ पर रखा गया है। एक रूम से आपका यहाँ पर पीछे साइड निकलने के लिए दरवाज़ा भी दिया गया है। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है। स्लैब लगाने के बाद आपको इस तरीके से आपका ये दिखेगा। तो ये इस तरीके से प्लान है। चलते हैं इसके साइजेस की तरफ और आपको एक एक साइज़ हम क्लियर करके बताते हैं किस साइज़ में क्या चीज़ कैसे रखा है। तो फ्रंट देख लीजिए 36x51 प्लान है, गेस्ट रूम 12x15 का, इसके बाद 19x9x12x10 का आपका ये बरामदा एरिया आपको यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये आपका 6.5x8 का पूजा रूम, 10x12 का किचन, 12x1x21x11 का आपका हॉल एरिया, ठीक है, 4.5x7x1 का आपका यहाँ पे बाथरूम, 6.5x4 का आपका ये टॉयलेट रूम, 3 फीट 3 इंच का ये आपका गली दिया गया जो पैसेज आपका रहेगा। पीछे वाला रूम 12x14, ये वाला रूम 12x14, ये आपका 4 फीट 7 इंच 9 फीट, 4 फीट 6 इंच 9 फीट का। तो ये इस तरीके से पूरा प्लान है। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सिंगल से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें, चैनल पसंद आए तो लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेता हूँ, धन्यवाद दोस्तों।